धर्म परिवर्तन को लेकर केरल हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने वाले वामपंथी विधायक ए राजा की सदस्यता समाप्त कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू से ईसाई बनने के बाद कोई भी व्यक्ति हिंदू होने का दावा नहीं कर सकता और ऐसे में हिंदुओं से जुड़े आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। ए राजा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के टिकट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे। हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी निरस्त करते हुए कहा कि ईसाई बनने के बाद कोई भी व्यक्ति हिंदू होने का दावा नहीं कर सकता है। कांग्रेस नेता डी कुमार ने याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। आरोप लगाया गया था कि ईसाई बनने के बाद ए राजा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर चुनाव लड़ा था। इस याचिका पर सोमवार 20 मार्च 2023 को सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट के जस्टिस पी सोमराजन ने कहा कि केरल की देविकुलम सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चूंकि नामांकन करने से पहले ए राजा ईसाई बन चुके थे, इसलिए वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि ईसाई बनने के बाद ए राजा हिंदू धर्म से संबंधित होने का दावा नहीं कर सकते। इस आधार पर निर्वाचन अधिकारी को भी उनका नामांकन खारिज कर देना चाहिए था। अदालत ने जनप्रतिनिधि कानून 98 की धारा 1951 के तहत ए राजा का निर्वाचन अमान्य घोषित कर दिया। बता दें कि वर्ष 2021 में केरल में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में देविकुलम विधानसभा सीट से माकपा ने ए राजा और कांग्रेस ने डी कुमार को मैदान में उतारा था। नामांकन दाखिल करने के बाद डी कुमार ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि ए राजा ईसाई हैं, इसलिए वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन तब निर्वाचन अधिकारी ने उनकी दलील खारिज कर दी थी।